एक जंगल में कॉर्वस रहता था, एक घमंडी और लालची कौवा जो चमकदार वस्तुओं का शौकीन था। जंगल में रेनार्ड नाम की एक चलाक लोमड़ी भी रहती थी जो हमेशा आसान भोजन की तलाश में रहती थी। जबकि अन्य कौवे को उड़ान और गाने से आनंद मिलता था, कॉर्वस को भौतिक संपत्ति पसंद थी। उसने छोटी छोटी चीजें और चमकीली वस्तुएं इकट्ठी की। एक सुबह कॉर्वस को एक स्वादिष्ट पुरस्कार मिला। पनीर का एक बड़ा टुकड़ा जमीन पर पड़ा हुआ था। उसने पनीर को अपनी चोंच में लिया और उसका आनंद लेने के लिए उत्सुक होकर एक ऊंची शाखा पर उड़ गया। जैसे ही कॉर्वस ने पनीर खाना शुरू किया, रेनार्ड पेड़ों का पीछे से निकल कर आया। उसकी आंखें तेज और धूर्त कॉर्वस के पास मौजूद स्वादिष्ट पनीर पर टिकी थी। रेनार्ड ने मधुर चापलूसी भरी आवाज में कहा, ओ कॉर्वस, आप कितने शानदार दृश्य है। आपके पंख रात की तरह काले हैं, आपकी आंखें गहनों की तरह चमकती है और आपकी चोंच, इसमें एक दावत होनी चाहिए जो एक राजा के लिए उपयुक्त है। कॉर्वस ने अपने अहंकार और लालच में अंधा होकर अपनी छाती फुलाकर उत्तर दिया, वास्तव में रेनार्ड, ये पनीर सबसे बढ़िया है जो मैंने पहले कभी नहीं खाया। रेनार्ड आश्चर्य का अभिनय करते हुए, एक पनीर आपने कहा, लेकिन निश्चित रूप से आप जैसा राशि पक्षी इस पनीर से कहीं बेहतर चीज का हकदार है। मैंने उत्तर में एक जादुई झील के बारे में सुना है जहां आसमान से हीरे बरसते हैं और पेड़ों पर मोती उगते हैं, और आप इस पनीर। रेनार्ड बात को अधूरा छोड़ दिया। कॉर्वस के अंदर लालच और जिज्ञासा की लड़ाई शुरू हो गया। वो उन चमत्कारों को पाना चाहता था जिनका वर्णन रेनार्ड ने किया था, लेकिन स्वादिष्ट पनीर उसके चोंच में भारी लग रहा था। कॉर्वस ने झिझकते हुए बोला, लेकिन ये पनीर। रेनार्ड बीच में टोकते हुए, लेकिन एक सच्चा राजा महज टुकड़ों तक ही सीमित नहीं रहता। उन खजानों के बारे में सोचे जिन्हें आप उस जादुई झील के ज्ञान से प्राप्त कर सकते हैं। अपने लालच में बशीभूत होकर कॉर्वस ने बोलने के लिए अपनी चोंच खोली और उसका स्वादिष्ट पनीर जमीन पर गिर गया। रेनार्ड ने बिजली की तरह तेजी से पनीर छीन लिया और झाड़ियों में गायब हो गया। कॉर्वस देखता रह गया। उसकी चोंच अविश्वास में खुली के खुली रह गई। उसने खोखले वादे के बदले स्वादिष्ट पनीर का सौदा किया था। ये सब उसके अंधे लालच के कारण हुआ था। ये सावधान करने वाली कहानी एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि चापलूसी लालच का फायदा उठाने के लिए चालाक व्यक्तियों द्वारा उपयोग किए जाने वाला एक शक्तिशाली उपकरण हो सकता है। सच्चा संतोष अधिक की खोज में नहीं, बल्कि जो हमारे पास पहले से ही है उसके मूल्य की सराहना करने में है। उस दिन कॉर्वस ने लालच के खतरों के बारे में एक मूल्यवान सबक सीखा। वह दूसरे कौवे के बीच अपने जीवन में लौट आया। उसने अपना नया ज्ञान साझा किया और चापलूसी के मीठे शब्दों से कभी भी मूर्ख ना बनने की कसम खाया। अगर आपको ये छोटी सी कहानी पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करके इस चैनल को आगे बढ़ाने में मेरी मदद करें। यदि आप सब्सक्राइब करेंगे तो मैं आपका आभारी रहूंगा।